आज आपको डायरेक्टर साहब से भी मिलवाएंगे जिनसे मुलाकात आपकी मोस्टली नहीं हुई। रुक जाना पढ़ लियो, ये नरेशन दे रही है कनी का भी पूरा सीन हम काम ही नहीं। स्पेशली जिन्होंने हमें इन्वाइट किया इस मूवी के लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके, थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश ध्यानी जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार गाइस, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। वे आर रेडी टू गो, एक शूट पे जाने वाले हैं हम लोग अपने किसी लोकेशन पे। हम हैं फिलहाल देहरादून के आसपास विकासनगर में एक फिल्म के शूट पर, बट दिस इज़ आर होम स्टे जहाँ पर हम लोग रुकते हैं रोज़। और उधर हैं टीनू जी। टीनू जी तो आपको पता ही है व्लॉग के स्टार हो चुके हैं आजकल, सभी लड़कियाँ इन पर फिदा हैं, हर कोई इनका फ़ैन है। जो भी व्लॉग देखने आता है कहता है टीनू भाई किधर है। टीनू भाई हाय बोल दीजिए प्लीज़ एक बार, ये भी बोल दीजिए स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम एंड थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं अब शूट के लिए, और इधर वेदवाल जी भी हैं। वेदवाल जी हाय। हम सब के सब अभी रेडी हैं और जाएंगे कालसी, नहीं लांगा। आज लांगा जाने वाले हैं। गाइज आज आपको डायरेक्टर साहब से भी मिलवाएंगे जिनसे मुलाकात आपकी मोस्टली नहीं हुई। रुक जाना पढ़ लियो, ये नरेशन दे रही है कनी का भी पूरा सीन हम काम ही नहीं जो है निरीक्षण दे रही है, ये पूरा सीन हम करने वाले हैं आज। तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल। मेकअप वेकअप हो गया हमारा, ध्यान बिल्कुल नहीं है। इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है स्क्रिप्ट पे, बस जस्ट व्लॉग पे। दो मिनट देर इज सानिया, थैंक यू फॉर सो मच फॉर द मेकअप। और दूसरा थैंक्स टू द एडी, द गर्ल शी इज एन एडी इन दिस फिल्म और एक्ट्रेस भी है इस फिल्म में, मल्टीटास्किंग। तो कामिनी जो है इसको समझा रही हो पर ये समझना नहीं चाह रही। ठीक है करते हैं, पढ़ रहे हैं हम अपनी स्क्रिप्ट। और आज आपको मिलवाएंगे डायरेक्टर साहब से, इनसे कभी मुलाकात होती नहीं क्योंकि ये मोस्टली बिजी रहते हैं, क्योंकि ये भी मल्टीटास्कर हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे इधर वर्सेटाइल। ये मुझे पहना दिया गया आज, अपनी कॉस्ट्यूम यही है। हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच गए, देख ले जंगल वाला इलाका है पूरा। आज के बाद हम जंगल में ही रहने वाले हैं 2-3 दिन। विगत इतने दिनों से जिनसे आपका परिचय नहीं हो पाया है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि भाई जो है बहुत सारे विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं। तो आज अपने डायरेक्टर साहब, हमारे एक्टर साहब जिनके साथ हम ये फिल्म कर रहे हैं, जिन्होंने हमें स्पेशली जिन्होंने हमें इन्वाइट किया इस मूवी के लिए, हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके, थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश ध्यानी जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। ये व्लॉग्स में आते नहीं है ज़्यादा मोस्टली, और आने के इच्छुक होंगे भी अगर तो भी इनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डायरेक्शन भी यही कर रहे हैं। एवरीथिंग इज डूइंग एवरीथिंग। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें ये कीमती मौका दिया, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको नहीं अब वो तो हम देख के समझ में आ ही रहा है कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है काम करने का, काफ़ी यूनिक है। एंड आई एम रियली मेस्मराइज्ड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द सेट्स। दूसरा, हम दोनों के दोनों काफ़ी बार हिंदी से गढ़वाली में भी स्विच कर लेते हैं, तो ये अपने भैजी भी हैं और अपनी पौड़ी वाले बेल्ट का पूरा मामला समझ रहे हैं, वो नेटिव फील है पूरा का पूरा। तो इनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार कि बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं वैसे, बस कहना ये चाहता हूँ कि हाँ, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और पीकू को मैंने जब मैं एक फ़िल्म बना रहा था World War I पे, तो उस समय मैंने पीकू के कुछ वीडियोस देखे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ था इस बात से कि मेरे पहाड़ का एक लड़का है जो अपनी भाषा में कुछ वीडियोस बना रहा है जो बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस थे। तो वहाँ से मैं पीकू का बहुत बड़ा फ़ैन बना और मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बेहतरीन कलाकार को क्यों ना मैं अपनी फ़िल्म में शामिल करूँ। तो हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जो फिल्म आदमखोर बाग के ऊपर है, गुलदार के ऊपर है, और पीकू एक बहुत ही अहम किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं। और संयोगवश ऐसा है इस फिल्म में कि पीकू और मेरा किरदार साथ साथ चलता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं। पीकू के साथ काम करने में बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि गाइस आप सब जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी डैम गुड एक्टर। अरे यार झूठ बोल रहा हूँ। तो पीकू सीरियसली अ वेरी डैम गुड एक्टर एंड मज़ा आ रहा है उसके काम करने में यार, थैंक यू सो मच भाई जी। आज शूटिंग का शायद 24वां 25वां दिन है। हाँ। अभी तक भगवान की दया से बहुत सही हम जा रहे हैं और आगे भी आप सबकी ब्लेसिंग से शायद ये फिल्म बहुत अच्छे से निकल के आगे आएगी। ठीक है भाई, मैं भी भैजी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि मैं काफ़ी टाइम से अनभिज्ञ था एकदम कि ऐसा डायरेक्टर गढ़वाल के पास भी है। दिस गाय इज़ वेरी आधुनिक और बहुत ही समय के साथ चलने वाले। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। सो मैं भी बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ आपके साथ। रज़ा भाई से भी थोड़ा रूबरू करवा दें आपको। पीछे रज़ा भाई बैठे हुए हैं जो इस फिल्म में किरदार कर रहे हैं शमशेर राणा का। तो आपका कैरेक्टर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है ये, और तस्कर हूँ मैं और तस्कर का कैरेक्टर कर रहे हैं आप। बहुत ही हरामजादा कैरेक्टर जालिम लूसन जालिम। वी आर ऑल गुड, ऑल सेट। अब हम निकल रहे हैं शूट की ओर। यस, चलिए। वो सूरज भाई आज जो हैं ड्रोन शॉट्स लेने वाले हैं, दिख रहे हैं वहाँ पर। आई एम गोइंग टू लेट यू मीट समवन बिगर, समवन इवन बिगर। ओ माय गॉड, आप फॉरेस्ट रेंजर हैं क्या? आप तो अपने आप में एक फॉरेस्ट हैं। यू आर लव। मज़ा आ गया। दैट्स इट। और ये सूरज भाई को भी एक रोल दे दिया है। ही इज गोइंग टू प्ले माफिया। चलिए भाई, पूरा इतना हेक्टिक दिन निपटा के काफी अच्छा शूट करके आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी, ब्यूटीफुल जंगल और मजा आया शूट करने में। बहुत अच्छे फ्रेम्स भी बने, ब्यूटीफुल फ्रेम्स। पीछे सर बैठे हैं। मनीष सर, आप इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं? रेंजर ऑफिसर का कैरेक्टर है। फॉरेस्ट रेंजर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर शूट पे? बहुत बढ़िया, मजा आया। बहुत मजा आया क्योंकि एक बहुत ही सोशल और एनिमल और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हम लोग लेके सिनेमा घरों में आएंगे। तो भैया मैं आपको एक इनसाइट दे देता हूँ, विच इज़ अ वेरी स्पेशल, वेरी डीप इनसाइट ऑफ दिस फिल्म मेकिंग। जो भैजी का फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, हमने असल में जो बॉम्बे में फिल्म मेकिंग देखी है, किसी भी सेट पे देखिए, फिल्म के, वेब सीरीज़ के, ये एपिसोडिक्स के, तो उन सेट्स पे क्या होता है, हर टाइप का कैरेक्टर जो है असाइन किया जाता है, बुलाया जाता है कि भैया कोई अगर डेड बॉडी भी करेगा तो वो बुलाया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई चाय लेके आ रहा है वो भी एक्टिंग करता है, और मतलब हर टाइप का बंदा यहाँ पर, सब एक्टर्स हैं। कोई नहीं डरपोक है कि भाई मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अगर कोई जिसका जो भी काम असाइन है वो अपना काम भी कर रहा है और साथ ही साथ एक्टिंग भी कर लेता है। तो ये आपने कैसे बनाया ये सीन? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना जो फिल्म मेकिंग है ना वो जो कोर लोग के आपके मेम्बर्स हैं, हाँ, जो कोर टीम के मेम्बर्स हैं, वो मल्टीटास्किंग होने चाहिए सारे के सारे। हाँ। तो कई बार वो चाय भी पिला रहे होते हैं, फिर जैसे तुम देख रहे थे कि महिला जो है वो पहले चाय लेके आया, फिर वो गन लेके भी खड़ा है, एक्टिंग भी कर रहा है। फिलहाल आप मौसम का लुत्फ उठाएं। बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत है जहाँ हम शूट करते हैं। ये विकासनगर वाला एरिया है, हाँ। लांगा वाला एरिया, थोड़ा विकासनगर से ऊपर का एरिया है, लांगा रेंज है। बहुत सुंदर जंगल है ये, देखिए। तो कतई खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गाइज, एवरीवन इज होम। पुलिस भी आ गई है घर पर, महिला भाई भी आ गए हैं घर पर, एंड पीछे फौजी भाई भी आ गए। फौजी भाई हाय, हेलो फौजी भाई भी आ गए। सारा कैमरा सेटअप सब कुछ यहाँ पर वापस लाया जा रहा है थोड़ी देर में। पहले मैं हाथ में धो के आता हूँ यार, आज मैं भीग गया पसीने से। इस वाली वीडियो की पता नहीं कैसे साउंड चली गई, पर ये मतलब ये सिर्फ मैं खरोलने के लिए बैठा हूँ यहाँ, करची लेकर सारा घुमाऊँगा। पर सूरज भाई आज बना रहे हैं लौकी की सब्जी। सूरज भाई ने नमक ही नहीं चखा। जब हमने नमक डाला है, मैंने एक बार चख लेना सीटी मारने से पहले, पर फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा चावल हमारा लग गया। बेचारे सीधे साधे लौंडे, खाना कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ समझ में खास हमारे आता नहीं है, पर ठीक है हम बना लेते हैं फिर भी जैसा तैसा। तो देखो ऐसा नज़र आ रहा है हमारा लौकी और चावल। खाते हैं अब। लौकी अच्छे से गल गई है, लौकी गल चुकी है, सीटी मारी गई है लौकी को। लायक है, ठीक है भैया, हम खा के आते हैं। भैया हम दोनों प्यारे प्यारे बच्चे अब सो जाएंगे। रियली अमेजिंग भाई। प्रेशर चाट लौकी की सब्जी बनाई थी सूरज भाई ने, बहुत ही बढ़िया भाई। ये दिन बहुत याद आएंगे, और मैं जब भी ये दिन की याद आएगी ना, मैं व्लॉग देख लूंगा भाई। हाँ, क्योंकि हम सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो भाई वी आर हैविंग फन। हमने लौकी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बना रखी थी भाई, और मजा आया बहुत ज्यादा। सूरज भाई दिखाना कहाँ गया। सूरज भाई की जेब से ये निकला, ये बोला अब है 200 रुपए। ये नकली नोट से, नकली नोट ये धुल गए इनके ट्राउजर में। तो इसी पे हम लोग हंस रहे हैं कि बहुत मतलब वाट लग गई थी अभी कि अरे 200 रुपए गए। भाई आप भी गुड नाइट बोल दो जी, आपको और आपके परिवार को गुड नाइट। सुबह मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, बाय बाय। भैया अपना सोने का पूरा मूड है पर ये नहीं सोने देती मेरे को। ओए मैंने ऐसे कर, मैं तो बोल रही हूं सो जाओ सो जाओ, सोने नहीं दे रही भाई, सोने नहीं दे रही, सो जा चल गुड नाइट। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है मेरी, कहां नोले बैठे हो। गुड नाइट। चश्मा टूट गया भैया। बहुत तगड़ा बारिश का मौसम है फिर भी हम शूट पे निकल रहे हैं। आज पूरे दिन 95% बारिश बताई गई है और पूरे दिन बारिश रहेगी, पर आज पूरा मौसम आप देख सकते हैं सामने, रुमझुम बारिश लगी हुई है, फिर भी हम लोकेशन के लिए निकल रहे हैं भाई। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे बोलो यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे हैं, यहाँ रोज लोग आ रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि मेरा बिजनेस है। क्या क्या बोलना है।